उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के सोरो में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव 2023 को लेकर सोरो नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर महेरे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला, वहीं सपा को डूबता हुआ जहाज बताया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज हेलीकॉप्टर कासगंज पुलिस लाइन उतरा, जहाँ वाई कार द्वारा सोरो के पर्यटन केंद्र पर पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया, बाद में भगवान बराह को नमन करते हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा सरकार में सड़कें कैसी थी, अब कैसी हैं? 56 इंच के सीने वाला नेता रामलाल का मंदिर बना रहा है, गरीबों को पक्के आवास बनवा रहा है, जिनके घर में अंधेरा था उन्हें फ्री में बिजली दे रहे हैं, कोविड समय में फ्री में वैक्सीन दी। बाद में उन्होंने कहा, हमारे लिए सोरो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि अयोध्या, काशी और प्रयागराज है। उन्होंने सोरो वासियों को अस्तित्व करते हुए कहा कि सोरो के लिए खजाने की कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रामेश्वर महेरे को जिताया तो निश्चित ही 13 मई के बाद भगवान बराह के दर्शन करने जरूर आऊंगा। महेरे जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिल रहा है, पूरे कासगंज हो, एटा हो, अलीगढ़ हो, ब्रज हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे काशी हो, चाहे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चारों तरफ एक ही आंधी है कमल के फूल की। और सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2014 में ही, लेकिन पंचर साइकिल को 2022 तक चलाएं, 2023 में लोग उसका टायर ट्यूब खोलना चाहते हैं। अब सपा वाले चाहे तो बचा ले, चले जाए मैदान से, और अगर रहना चाहेंगे सपा हो बसपा में, सबके बारे में कह रहा हूँ। इसलिए सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको डबल इंजन सरकार के माध्यम से अगर जनता जिता करके भेजेगी तो विकास के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं रहने देंगे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।